हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, पेटीएम से रिचार्ज करते हो या फिर किसी शॉप पे करते हो, कुछ भी आप अगर पेटीएम का यूज़ करते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप पेटीएम से अपने बिजली का बिल कैसे भर सकते हो। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है मंथली या 2 मंथ में आता है, उसे आप कैसे अपने पेटीएम से ऑनलाइन ही भर सकते हैं अपने घर बैठे ही। तो वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है अपना बिजली का बिल भरने के लिए। आपको यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। आप देख सकते हैं इसे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको इस इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है वो ऊपर, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पे एंड सेटल योर बिल इंस्टेंटली एंड आल्सो अर्न रिवार्ड्स विद एवरी बिल पेमेंट। मतलब आपको यहाँ पे ये बिल पेमेंट जो आप करेंगे उससे कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड्स भी मिलता है, जो आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे लिखा भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 करोड़ यूज़र्स ट्रस्टेड हैं जिन्होंने यहाँ से पे करते हैं जो, और ये पे इलेक्ट्रिसिटी बिल गेट अप टू 150 रुपीज़ पेमेंट पेटीएम कैशबैक। तो आपको 150 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है या फिर आपको कोई कूपन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पे करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको कैशबैक भी मिल सकता है, कूपन भी मिल सकता है, और यहाँ से आपको ऑटोमेटिक पेमेंट भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है मैनेज ऑटोमेटिक पेमेंट्स, कि आपका जब भी कोई बिल जनरेट होगा ऑटोमेटिक उसकी पे आपके बैंक से कट जाएगा, या आपके पेटीएम में अगर पैसे होंगे तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो भी होता है इसमें सिस्टम। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आप पेटीएम से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जहाँ लिखा है सेलेक्ट स्टेट ऑफ योर बोर्ड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्टेट में आप रहते हैं। ठीक है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू दिल्ली है, हरियाणा है, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मतलब किसी भी देश की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिससे मैं यहाँ से एक सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, हरियाणा मैंने सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पे आपका फिर वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ जाएगा जिससे आपका बिल आता है बिजली का। तो आपको वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, हरियाणा के लिए ये वाला है THBVN, इससे आता है मेरा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका सेलेक्ट योर स्टेट ऑफ योर बोर्ड हो गया। ठीक है, हरियाणा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो बिल आता है आपका, नीचे यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो बिल का नंबर होता है, बिल पे दिया होता है जो अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बिल से लिंक होता है, वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जब आप अपना बिल भरते हैं तो जिस मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज आता है बिल का, तो वो वाला नंबर जो उससे लिंक हो वो वाला आपको डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी आपको निकनेम डाल देना है अपना। ठीक है, जो बिल पे नाम है वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें फिलअप कर देता हूँ। तो सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि 25,165 यूज़र्स ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट 1 आवर में पे कर दिया है। तो आप भी कर लें, ये ऐसी नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें। नीचे आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ये सारी डिटेल भर के यहाँ पे नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पूरा अमाउंट दिखा देगा, जितना भी आपका अमाउंट है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि अगर आप नहीं भरेंगे तो जो पेनल्टी लगेगी 27 रुपये और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू डेट से अगर आप पहले नहीं भरते तो वो ऐड हो जाते हैं फिर, अगर डेट निकल जाती है तो। और यहाँ पे बिल डिटेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है, बिल डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपनी पूरी बिल की डिटेल को। आप इस पे जैसे ही बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी, बिल की, नाम, आपका एड्रेस, सारा उसमें अकाउंट डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, बिल नंबर, बिल डेट, ड्यू डेट, बिल अमाउंट, सब कुछ आ जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप यहाँ पे प्रोमो कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप, और नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऑटोमेटिक पे, ये मैं जो आपको बता रहा था, ठीक है, इसको अभी हम हटा देंगे, हमें ऑटोमेटिकली नहीं करना, हमें जब भी बिल आएगा तो हम खुद ऐसे जाके उसे भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे पे, जितना आपका अमाउंट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है पे वाले बटन पे। तो इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि पे फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट, पेटीएम बैलेंस में आपका बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस होता तो हम पेटीएम से कर देते, ठीक है। तो और यहाँ पे अगला है एनी बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है, ऐड बैंक अकाउंट करने को कह रहा है, या तो बैंक अकाउंट ऐड कर लें, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम में कैसे ऐड करते हैं पैसों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। बैंक अकाउंट में कैसे ऐड करते हैं वो भी बता रखा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी बता रखा है मैंने। ये सारी वीडियो के लिंक मैं, जो मेरी जो पेटीएम की प्लेलिस्ट है वो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जाके इजिली उसे सीख सकते हैं, और फिर यहाँ पे कोई भी एक पेमेंट करके ऐड कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर, आपकी वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट, ठीक है, सीवीवी नंबर पीछे होता है उसके, उसके बाद पे पे क्लिक कर देंगे तो वो आपके कार्ड से पे होगा, लेकिन जैसे पे पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो आपका ये सक्सेसफुली पे हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपना जो भी आपका बिजली का बिल है वो आप इजिली पे कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से पेटीएम की हेल्प से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।